वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कीपैड के बारे में। तो यहाँ देखिए, ये कीपैड ख़राब है और इसके बटन ऊपर से तो डैमेज हैं, और इसका जो है ऊपर से फ्रेश है। तो ऊपर से कहने का मतलब, जो इसके ऊपर रेपर लगती है, जो इस पर सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा बटन किसके लिए है, और इसके पीछे जो कार्ड होता है, जो इसकी सर्किट होती है, इसमें डैमेज है। अब इसमें क्या डैमेज है, क्योंकि बहुत सारे बटन नहीं काम करते हैं, तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिए। और दूसरा, जब यहाँ से दूसरा जो नीचे वाला है, इसके जो बटन है ये ख़राब हो गए, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसके नीचे का कार्ड सही है, उसके नीचे का कार्ड ख़राब है। तो पहले यहाँ से जो जिसके इसके ऊपर की बटने ख़राब हैं, इसको साइड कर देते हैं इसको छुड़ाने के बाद। और बहुत आसानी से इसको करना है, नीचे जो इसमें फोम है, फोम पे रखा हुआ है, इसलिए इसके जो भी पत्ती कनेक्टिविटी के लिए जो नीचे पिने होती हैं, वो पिने डैमेज नहीं होनी चाहिए। इतना ही सेफ्टी से हटाना है और इसको हटा देना है। ये क्योंकि जो हटा रहे हैं ये बिल्कुल काम का नहीं है, जो नीचे का कार्ड है सिर्फ ये काम का है, क्योंकि कार्ड ख़राब नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो मॉइस्चर की वजह से और डस्ट जो इसमें प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे मॉइस्चर आया हुआ है और इसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये ख़राब था, रखे रहने की वजह से भी आ सकता है। तो सबको क्लीन कर लेना है। और इसका क्लीनर भी आता है, और जो एल्कोहल का आता है, तो इसलिए एल्कोहल का होता है, जैसे कि हम उसको स्प्रे करेंगे तो एल्कोहल ज़्यादा देर नहीं रुकता है, थोड़ी देर बाद में वो उड़ जाता है और क्लीन भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्लीन करने के लिए एल्कोहल आता है, और हमारे पास वो चीज़ है नहीं, तो हमने जो सैनिटाइज़र है उसमें 70% एल्कोहल है, 75% तो उसी का यूज किए हैं, तो उससे क्लीन हो जा रहा है तो पूरी तरह से। तो इसको सब जो जहाँ पे दिक्कत है उसको भी क्लीन कर लेना है, जिसमें नहीं है एक बार सबको क्लीन कर लेना, ताकि जब हम इस पर दूसरा रेपर लगाएं बटन का, तो उस पर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमको बार बार लगाना छुड़ाने से उस पर जो चिपकने का है गोंद उसका, वो बेकार हो जाता है। तो इस तरह से लगभग ये पूरा क्लीन हो गया है। तो इसमें कुछ और जो बटन है, और ज़्यादातर जो बटन मिक्सर का होता है, ऑटो का होता है, गेट ओपन क्लोज, जो ज़्यादा रन हो यूज करते हैं बटन हम लोग, उसी में प्रॉब्लम्स आते हैं। जो कम यूज होता है वो ज़्यादातर, या जहाँ पे मैनुअल चलता है वहाँ पे भी दिक्कत आता है। तो यहाँ पे ये क्लीन कर लिए हैं, तो अभी इसका दूसरा जो है इसका हम निकालेंगे यहाँ से, और इसको देखते हैं सक्सेस हो जाता है कि नहीं। उम्मीद है कि सक्सेस हो जाएगा। तो इसको काफ़ी आसानी से निकालना, इसमें देखिए पत्ती है, लेकिन हिसाब से इसके भी डैमेज ना हो उसका ध्यान रखते हुए इसको धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि ये अभी इसमें कनेक्टिविटी कार्ड की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये नया कीबोर्ड था, और बहुत जल्दी इसके कार्ड में प्रॉब्लम आ गया जो इसका है, तो ये रिजेक्ट हो गया। और जो दूसरा है उसमें कार्ड सही है, तो दो में से उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा जैसे हम इसको लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसको निकाल लिए हैं, तो अब इसके ऊपर लगाएंगे, और इसको ज़रूर ध्यान देखना है कि आप जिस तरह से जो बटन नीचे है और कार्ड का भी सिस्टम जो सब कुछ मैच करना चाहिए, उसी हिसाब से लगाएंगे। यदि उस हिसाब से नहीं लगाएंगे तो मैच नहीं खाएगा। अभी यहाँ पे देखिए बटन सभी काम कर रहे हैं। अब इसको हम जब कीबोर्ड पे यहाँ पे लगाने के बाद, आप देखिए अब इसको चालू करके जब हम चेक करें, कुछ बटन जैसे हमने रेपर हटाया है, तो यहाँ देखिए मिक्सर वाले में थोड़ा सा डैमेजेज आ गए हैं, और बाकी किसी में नहीं है, लेकिन वर्क में सभी बटन हैं, और जैसे वन बाय वन कर रहे हैं, बहुत आसानी से पुश करने के बाद सभी बटन काम कर रहे हैं। और इसको जब लगाए हैं तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आपके पास भी यदि ऐसा ऑप्शन हो तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार उसे पहले चेक करके ट्राई कीजिएगा, और ऐसा ना हो कि कोई उसकी वजह से नुकसान हो जाए। तो आप जब उस चीज़ को श्योर होइएगा तब कीजिएगा। और ये हमारे यहाँ तो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि सभी वर्किंग में हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।